अस्सलाम वालेकुम जी, सब दबाव वेलकम साढ़े चैनल पर है। अजकल हर बंदा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है रोमानिया के बारे जानना कि रोमानिया का अगू मुस्तकबिल की होगा, शिंगन च एंट्री किस तरह होगी है, और जेड़े बंदे रोमानिया तो डंकी ला रहे ने हैं, ज़्यादातर लोग आस्ट्रिया जा रहे हैं, हवाया हंगरी जा रहे हैं, और या उतों को इटली निकल रहे हैं, उन्हों का की मुस्तकबिल होगा, और डंकी अजकल किस तरह लग रही है, और इस तो अलावा रोमानियन पुलिस की कर रही है, किस तरह कंट्रोल कर रही, बार्डर के हालात अजकल की ने, असं सारे प्रोसेस में जरा छोटी जी वीडियो विच डिस्कस करांगे है, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया जड़ा ये आखिरी कुछ सालों तो बहुत ही हब जोन बने हैं इमीग्रेंट्स का अगे डंकी लाने वास्ते, और बहुत ज़्यादा या तो लोग वाया सर्बिया अगे जा रहे हैं, वाया बोसनिया अगे निकल रहे हैं, या फिर लोग रोमानिया चूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह तो रोमानिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वह शिंगन जोन च शामिल होवे। शिंगन जोन का मतलब यह होगा कि रोमानिया तो अगर बार्डर फ्री होगा, कोई बार्डर चैकिंग नहीं होगी, यानी कि जो बंदा रोमानिया चला गया वह समझो इटली चला गया, यानी कि उन्होंने रस्ते कोई खास चैकिंग नहीं होंगी, चैकिंग फ्री जोन हो जाता है, और इस वास्ते रोमानिया पूरे जोर ला रहा, पूरी कोशिश कर रहा है कि वह अपने बार्डरस नू बड़ा ही स्ट्रिक्टली चैक करे हैं, और इस वास्ते जेडे लोग इन दिन डंकी ला रहे हैं उन्होंने वास्ते बहुत मुश्किलात पैदा हो रही ने और इन फ्यूचर होवनगियां, क्योंकि 8 दिसंबर जो शिंगन जोन की वोटिंग सी, आस्ट्रिया ने सिर्फ और सिर्फ वायद आस्ट्रिया ने रोमानिया इस बेस से रिजैक्ट किया कि इन्हों के थ्रू रोमानिया बुल्गारिया के थ्रू तकरीबन 1 लाख बंदा साढ़े मुल्क पहुँचे और 75,000 से रजिस्टर किया जो इन्हों को रजिस्टर्ड नहीं होया है, और रोमानिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि स्मगलर्स तो और इमीग्रेंट्स तो अपने बार्डर नू बचा के साबित करे कि मैं वाकया ही शिंगन के एक्सटरनल बार्डरस नू प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी वजह तो रोमानियन पुलिस अजकल बहुत एक्टिव है, खास करके बार्डरस उत्ते बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, और उसकी वजह तो इदे सम्राट भी मिल रहे हैं। हुण असीं गल करांगे कि इन दिनों च कीड़ियां डंकियां फड़ी रही ने है, और किस तरह पुलिस ने फड़िया ने है, और क्या इन दिनों च डंकी लानी चाहिए है कि नहीं लानी चाहिए, और इन फ्यूचर इहदा की फायदे होणगे है। हुण इहदे विच रोमानियन पुलिस ने एक ज़्यादातर बंदे, एक मैं तुम्हें इस तो पहले अगे चलिए दसा कि इतों ज़्यादातर बंदे जड़े ने वो डंकी लाते ने वाया ट्रक, कि जेडे वड्डे ट्रैलर होंगे ने जिन्हें च पिछे चीज़ा रख लीतिया जाए तो विशकार बंदे बनते हैं है, और बाकी हिसाब में डंकी लगाते हैं ताकि बार्डर जो निकल जाए है, और ये भी जोड़ा रोमानियन पुलिस ने एक ट्रक फड़िया है जिदे 17 बंदे सी बंगलादेशी और एरिट्रिया दे, और तकरीबन 21 से 67 साल दी जिन्ना दी उम्र सी। मैं हैरान हुंदा 67 साल दे बाबे भी डंकियां ला रहे ने, तुसीं इस उम्र च आके की करना सी, बाहर लैनी हो, वह भी वह फड़े ने, और उन्होंने की कीता सी कि एक छोटा कैबन बना के दरम्यान दे विच, यानी कि ड्राइवर दी पिछली बिल्कुल बैक साइड दे एक छोटा कैबन बनाया सी, उहदे विचों बंदे 17 डके सी, उस तो पिछे पिछे जिहड़ा बाकी ट्रक का हिस्सा सी उसनू ट्रांसपोर्ट का समान उहदे विच लदे होया सी ताकि पता ना चल सके है। एक इस तो अलावा एक होर ट्रक फरीदा जिदे विच मैटल्स का समान सी, दातां वगैरह उस बंदे ने लदियां सी, वह भी ड्राइवर भी रोमानिया नहीं सी है, और वह भी उन्हें भी 11 बंदे उस ट्रक चो फड़ीते ने, जिन्हां विचों ज़्यादातर जिहड़े ने उह श्रीलंका और पाकिस्तान दे सी, उन्हां दी उम्र 21 से 42 साल दे दरम्यान सब दी उम्र सी है। नॉर्मल तौर पर बंदियां तो छोटी मोटी इस इन्वेस्टिगेशन तो बाद फिर छड्ड देंदे ने है, लेकिन जिहड़े ड्राइवर है इस किस्म दा रिस्क लैंदे ने उन्हां वास्ते फिर बहुत कंप्लीकेशन हो जाती है, उन्हां नूं फिर लंबी कैद हो जाती है ना, उन्हां वास्ते ज़्यादा कंप्लीकेशन होंदियां ने। इस तों इलावा एक होर उन्होंने ट्रक फड़िया है जिहड़ा मेन रोड का जो तर्किश जर्मनी रोड से रोमानिया के अंदर, वो ड्राइवर फड़िया जिहड़ा लैके जा रहा सी 25 बंदे सीरियन सी है, वो है और उन्होंने लैके जा रहा सी अगे, और उसने भी इन्होंने फड़िया उन्हें। अच्छा, सब का मजे की गल है, सब का सेम ही प्रोसीजर है कि सब ने जो ड्राइवर बैक साइड सैमी कंटेनर होंगे ना, सब ने वो पिछे की कैबन बनाया वो बंदे डक के अगे डंकी लैके जाते हैं, क्योंकि वह सील लगी होंगी है, ज़्यादातर चांसिस फिर पुलिस उस हिसाब से भी नहीं देखती है, फिर ज़्यादातर बंदे जड़े ने वो रोमानिया तो अगे निकल जाते हैं, लेकिन इन दिनों में अगर कोई बंदा डंकी ला रहा है तो एहतियात ना लाओ, क्योंकि बार्डर पुलिस बहुत एक्टिव हुई है,
आखिर तो जो आखिरी चीज़ है वो मैं यह कहना चाहना कि बंदे मन बहुत सवाल करते हैं कि भाई अगू मुस्तकबिल की होगा रबानिया का। मैं परसनली इस चीज़ पर बड़ा ही स्ट्रिक्टली बिलीव करना कि इन फ्यूचर जोड़ा रोमानिया ने शिंगन च जाने ही जाना है। और जेड़े बंदे किसी तरह लीगल उत्थे बैठे रोमानिया च बिल्कुल रोमानिया ने छोड़ो अगे आके कहते वक्रे अंब लै लेने इतने भी उ धक्के ने है। ये साड़ी बेसब्री जी तबीयत है ना यही सू अगे लैके आँगी कि अगे चली अगे स्पेन इटली बड़ा कुछ पाया सेम ही है सब कुछ है वे वो खास फर्क कोई नहीं है। जेडे तुम हूँ 4 साल आके स्पेन पेपर लैने जोड़ा बंदा रोमानिया च बैठा वो 5 साल लैके परमानेंट लै लेगा। इतों तक तो हर हाल में हो जाना जितनी को मैं न्यूज़ के अपडेट रहना वा मजॉरिटी चांसिस ने रोमानिया दे कि रोमानिया फस्ट हाफ 2023 शिंगन शामिल हो जाएगा। यार ना भी हो गया अगर नहीं भी होता 24 हो जाएगा कदों तक लेट जाना ने इतने आके वक्रा कि दूजा इन्होंने मुल्क कर लेना है तो अगू फिर 5-5, 4-4 हज़ार दिन डंकियां ला के इन्हें कंटेनर बंदा आए मनु कोई सेंस नहीं नज़र आती है। तो इन्होंने दिनों एहतियात करो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रोमानिया बहुत कोशिश कर रहा है शिंगन दे विच आन दी और वो हर एक रिक्वायरमेंट नू पूरी कर रहा है। और सब तो वड्डी उदते इल्ज़ाम ही है वे कि वो शिंगन बार्डर नू प्रोटेक्ट करे खास करके समगलर्स तो और इमीग्रेंट्स तो डंकियां तो इस गल्ले हुण बहुत न्यूज़ चल रही ने उन्हां इन्हां दिनां च बहुत बंदे फड़दे ने। ते अपना लीगल स्टेटस ना जाया करो अच्छे तरीके रहो और इंतजार करो सफर का फल मिठा होंगे जीवन वस्ते रहो आबाद रहो।